हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। देखो, पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे एरोमेटिसिटी के बारे में, ठीक है। तो एरोमेटिसिटी में हम बात करते, मैंने कहा था चार टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं एरोमेटिसिटी के अंदर। पहला टाइप का क्वेश्चन हमारे पास था कि कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक, कौन नॉन एरोमेटिक होगा, इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन था क्वासी एरोमेटिक, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था दोनों टाइप। अब तीसरे टाइप के जो क्वेश्चन बनते थे वो था अप्लीकेशंस ऑफ एरोमेटिसिटी इन रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर एरोमेटिसिटी का क्या रोल है, इसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो हमने एक टाइप हमने एरोमेटिसिटी उसके अंदर डिस्कस कर लिया था कि SN1 रिएक्शन में जब आपको सोलोलाइसिस रिएक्शन पूछा जाएगा, उसकी रेट जो पूछी जाएगी, तो वो आप कैसे डील करेंगे। तो उसमें मैंने कह दिया था कि बस जो भी हेलोजन्स है वो आप उस हेलोजन्स को हटाओगे और उसकी जगह कार्ब केटाइन बनाओगे। अगर वो कार्ब केटाइन एरोमेटिक है तो आप उसे कहोगे कि इसकी रेट जो है वो सबसे फास्ट रेट है, ठीक है। अगर वो नॉन एरोमेटिक है तो हम कहेंगे भाई वो क्या है, आपकी जो रेट है एरोमेटिसिटी से कम होगी बट एंटी एरोमेटिक से ज्यादा होगी। और अगर वो कार्बोकेटाइन बनने के बाद अगर वो क्या बन जाए, एंटी एरोमेटिक, तो हम कहेंगे इसकी रेट जो है वो सबसे लीस्ट होगी, हम एक कहूंगा रिएक्शन ही नहीं होगी, ठीक है। अब इसी चीज को जैसे मैंने कहा था कि रेट ऑफ सोलोलाइसिस में मैंने क्या बताया था कि वहां सोलवेंट एज ए कौन होगा, सोलवेंट वॉटर होगा, और वोटर ही क्या करेगा, जो सॉल्वेंट एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा होगा। तो यहां हमने कहा सबसे पहले जो वोटर होगा इनके साथ कोऑर्डिनेट हो जाएगा, तो Cl यहां से बाहर हो जाएगा, बाहर हो जाए तो कार्बोकेटाइन बनेगा, और कार्बोकेटाइन बनेगा तो ये H2 अटैक कर देता था सोलोलाइसिस में और ये ROH फॉर्म हो जाता था। तो हम कहते थे भाई ये R अगर एरोमेटिक बनता है सबसे फास्ट होगा, एंटी एरोमेटिक बनता है तो सबसे लीस्ट होगा, ठीक है। अब इसी में सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो आता है रेट ऑफ प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस या रेट ऑफ PPT। तो यहां सेकंड टाइप की बात होगी तो वो आएगा रेट ऑफ प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस, ठीक है, रेट ऑफ प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस। तो देखो, रेट ऑफ प्रिसिपिटेशन का मतलब क्या होगा, ये भी SN सेम यही रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन ही आपको क्या देगा, आपको भी एक सिंपल हेलोजन्स देगा, एल्किल हेलाइड्स, क्या देगा, एल्किल हेलाइड देगा, हाँ भाई थोड़ा गला बैठ गया है, ठीक है। तो आपको पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों को सभी को तो गला बैठ गया है, तो शांति से आप पढ़ते रहें, जैसा जैसा मैं आपको बताता जाता हूँ वैसा वैसा सुन लेना, ठीक है। आज थोड़ा सा गला बैठ गया तो इस वजह से आपको आवाज उसमें चेंज आया है, ठीक है, तो देख लेंगे। तो यहाँ रेट ऑफ प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस की अगर बात करें तो रेट ऑफ प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस के अंदर हमें यहाँ आपको एल्किल हैलाइड देगा, तो वोटर देगा तो वो सोलोलाइसिस हो गई, और अगर यहाँ एक्वस क्या लिख देगा, AgNO3 लिख देगा, एक्वस AgNO3 लिख देगा और कहेगा कि भाई ये रिएक्शंस करो। तो देखो, जब भी एक्वस AgNO3 लिख देता है तो ये जो AgNO3 ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब ये किस में डिसोसिएट होता है, Ag+ प्लस NO3-, और हमें पता है Ag+ जो होगा वो इस Cl के जो लोन पेयर होंगे इनके साथ सबसे पहले क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, मतलब यहाँ जो Cl होगा उसके साथ जो Ag+ है ये कोऑर्डिनेट कर लेगा, और जैसे ही कोऑर्डिनेट करेगा इसके साथ Ag के साथ इंटरेक्शन होने लगेंगे तो R के साथ इसके इंटरेक्शन कम होने लगे, मतलब R और Cl का बॉन्ड निकल जाएगा और यहाँ से AgCl की प्योरिटी बाहर हो जाएगी और आपका क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन, ठीक है। कार्बोकेटाइन बनने के बाद अब यहां से आपके पास जैसे ही क्या बना, कार्बोकेटाइन, अब यहां आपका क्या दे रखा है भाई, H2O दे ही रखा है, तो H2O दे रखा है तो ये H2O क्या कर देगा, यहाँ अटैक कर देगा। देखो ये लिखा है एक्वस, एक्वस का मतलब क्या हो गया, H2O ही है, तो H2O अटैक कर देगा और ये आपका ROH, तो ये भी रिएक्शन कौन सी है, SN1 रिएक्शन ही है, ठीक है। बट अगर मेरा यहाँ कार्बोकेटाइन बन जाता है तो कार्बोकेटाइन बनेगा तो आप क्या कहोगे कि इसमें क्या चेक करोगे, एरोमेटिसिटी चेक करोगे या एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक, ये चेक करेंगे। अगर एरोमेटिक बन जाता है तो हम कहेंगे इसकी रेट ऑफ रिएक्शन सबसे फास्ट होगी, अगर एंटी एरोमेटिक बनता है तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन सबसे स्लो हो जाएगी, और अगर नॉन एरोमेटिक बनता है तो हम कहेंगे मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। सेम वही रिएक्शन है, कोई चेंजिंग नहीं है, बस यहाँ प्रिसिपिटेशन की बात हो जाता है क्योंकि यहाँ PPT किसकी निकलती है, AgCl की, जो वाइट PPT बनती है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं भाई क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे आपको कह देगा
यहां डाल दिए इन तीनों में, एक्वा से एजीएनओ थ्री, यहां डाल दिया एक्वा से एजीएनओ थ्री, और यहां पर भी एक्वा से एजीएनओ थ्री डाल दिया, राइट। तो अब यहां से जैसे जैसे आपका एक्वा से एजीएनओ थ्री डाला गया, तो बस तब आपको करना क्या है, ये हेलोजन निकाल देना है। सोलोलाइसिस में भी यही कर रहे थे, हेलोजन निकाल देना है, उसकी जगह क्या बना दोगे भाई, कार्बोकेटायन। यहां कार्बोकेटायन बनाया आपने, यहां कार्बोकेटायन बनाया और आपने यहां कार्बोकेटायन बना दिया। तो इन कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी चेक कर लेंगे हम, देखेंगे भाई यहां तो 4π इलेक्ट्रॉन है, और 4π इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, मतलब ये तो सबसे लीस्ट हो गया। जैसे मैं इसको कह देता हूं फर्स्ट, इसको कह देता हूं सेकंड, और ये हमारा क्या हो जाएगा थर्ड, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई फर्स्ट की जो रेट है वो तो सबसे स्लो हो गई, उसकी रेट ऑफ प्रिसिपिटेशन, ठीक है। तो फर्स्ट की रेट ऑफ प्रिसिपिटेशन तो सबसे स्लो होगी। यहां 2π इलेक्ट्रॉन है, और 2π इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक, यहां क्या है 6π इलेक्ट्रॉन, 6π इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक, ठीक है। बट यहां तो क्या आ गए भाई, दो सिस्टम क्या बन गए हैं, एरोमेटिक। अब देखो यहां पर ये भी सिस्टम एरोमेटिक है, ये भी सिस्टम एरोमेटिक है। यहां देखोगे तो ये कार्बेट, अब यहां अगर हमें क्या चेक करनी होती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेटाइन। अभी तक हम चेक कर रहे थे भाई क्या था हमारे पास, एरोमेटिसिटी चेक कर रहे थे। यहां अगर दोनों ही सिस्टम एरोमेटिक हो गए तो यहां देखेंगे 3π बॉन्ड रेजोनेंस कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज के साथ, यहां पॉजिटिव चार्ज के साथ ओनली 1π बॉन्ड रेजोनेंस कर रहा है। तो यहां 3π बॉन्ड अगर रेजोनेंस करेंगे तो ये इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा कहेंगे और इस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कम कहेंगे। तो हम कहेंगे भाई ये हमारे पास जो इसको नाम होता है ट्रिपोलियम आयन, तो ट्रिपोलियम आयन क्या होगा, ज्यादा स्टेबल है, इसका कम होगा क्योंकि यहां 3π बॉन्ड रेजोनेंस कर रहा है, यहां एक ही कर रहा है, एरोमेटिसिटी दोनों में इक्वल है, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई थर्ड की जो रेट ऑफ प्रिसिपिटेशन हो जाएगी वो सबसे ज्यादा, उसके बाद सेकंड की, और सबसे लीस्ट फर्स्ट की हो जाएगी। जैसे आपके पास एक और क्वेश्चन दे दिया जाए, कह दिया जाए कि भाई ये क्वेश्चन बताओ, और एक आपका यहां से ये क्वेश्चन दे दिया जाए, यहां भी एक वैसे एजीएनओ थ्री डाल दिया, और यहां पर भी आपका एक्वस एजीएनओ थ्री डाल दिया, राइट। अब आपको क्या करना है, यहां पे इस सीएल को निकाल देंगे भाई, और सीएल निकलते ही यहां क्या बना देना है, कार्बोकेटायन। यहां से भी क्या करेंगे, इस सीएल को निकाल देंगे और यहां क्या बना देंगे, कार्बोकेटायन। यहां से चेक करेंगे तो यहां 4π इलेक्ट्रॉन है, 4π इलेक्ट्रॉन है तो एंटी एरोमेटिक है, यहां क्या है 6π इलेक्ट्रॉन है तो ये एरोमेटिक है। तो यहां से अगर मैं कहूंगी इसकी K1 रेट है, इसकी K2 रेट है, तो मैं कह सकता हूं K2 रेट क्या होगी, फास्ट रेट होगी एज कंपेयर टू K1, क्योंकि K1 में जो इंटरमीडिएट बनने वाला है वो एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, देखो ये हमारे सेकंड टाइप का क्वेश्चन था, एप्लीकेशंस ऑफ एरोमेटिसिटी इन रिएक्शन मैकेनिज्म के। अब थर्ड टाइप का क्वेश्चंस की बात करें तो थर्ड टाइप का जो क्वेश्चंस होगा वो होगा इफेक्ट ऑफ प्रोटोनेशन, इफेक्ट ऑफ प्रोटोनेशन, इफेक्ट ऑफ प्रोटोनेशन। तो देखो इफेक्ट ऑफ प्रोटोनेशन की बात करेंगे, बेस से बात करेंगे कि बेस जो होगा वो H+ एक्सेप्ट करने से पहले उसका बिहेवियर कैसा था, ठीक है, और एक्सेप्ट करने के बाद उसके बिहेवियर में क्या चेंज आया। मैंने कहा कि हमारे पास मैंने पिछली क्लास में बताया था H+ को एक्सेप्ट करना ही क्या कहलाता है, रेट ऑफ प्रोटोनेशन की बात करेंगे, या फिर आप क्या कहोगे उसी को बेसिसिटी का नाम दोगे। तो बेसिसिटी भी क्या होती है, H+ को एक्सेप्ट करने की रेट को ही आप क्या कहते हो, बेसिसिटी। तो यहां मुझे क्या चेक करना है, इफेक्ट ऑफ प्रोटोनेशन। तो प्रोटोनेशन कौन, H+ है, कौन एक्सेप्ट करेगा, बेस। तो यहां बेस एक्सेप्ट करेगा, तो H+ एक्सेप्ट करने से पहले उसका बिहेवियर कैसा था और H+ एक्सेप्ट करने के बाद उसके बिहेवियर में क्या चेंज आया है, यही चीज हमें स्टडी करनी है, ठीक है। तो यहां जैसे आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास कोई दे रखा है NH2 और इसमें H+ दे दिया जाए, तो यहां से जैसे मेरे पास ये H+ एक्सेप्ट कर लेगा और क्या आया आपके पास, क्या बन जाएगा, NH3 पॉजिटिव, राइट। तो यहां से अगर हम बात करें तो देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो मैंने कहा हाइब्रिडाइजेशन इसका अगर बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, यहां sp3 है,
तीन सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, यहाँ की बात करें तो यहाँ चार सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर भी sp3। तो देखो पहले भी H+ एक्सेप्ट नहीं किया था तब भी इसका बिहेवियर क्या था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन था, और H+ एक्सेप्ट कर लिया तब भी इसके बिहेवियर में क्या आया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ। ये लोन पेयर को बताओ लोकलाइज कहेंगे या डीलोकलाइज, तो आप लोग बताओगे यहाँ कि इसको लोकलाइज कहते हैं। डीलोकलाइज किसको बोला जाता है, जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं उसको डीलोकलाइज कहेंगे। अगर आपसे मैं कह दूं कि ये आपके पास है और यहाँ H+ ले लेता है ये, ठीक है, तो हम कहेंगे भाई यहां से हमारे पास ये H+ ले लेगा तो यहाँ क्या बन जाएगा NH2 पॉजिटिव। और तो इसका हाइब्रिडाइजेशन बात करें तो हम कहेंगे भाई दो सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, बताओ ये लोन पेयर कैसा है लोकलाइज, ये लोन पेयर कैसा है भाई लोकलाइज, बता चुका हूं सारी चीजें, ठीक है, ये लोकलाइज है, लोकलाइज होगा कितने सिग्मा बॉन्ड है, दो सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2, राइट, यहां h+ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2 तीन सिग्मा बॉन्ड। तो देखो जब जब भी ये लोकलाइज लोन पेयर था, लोकलाइज अगर लोन पेयर होता है तो हम कहेंगे उसके हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, sp3 यहां पर भी था और h+ एक्सेप्ट करने के बाद sp3 है, इसमें बात करेंगे तो यहां पर भी sp2 था और H+ एक्सेप्ट करने के बाद भी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2 ही है, ठीक है। अगर डीलोकलाइज लोन पेयर आ जाए, जैसे आपके पास ये आ जाए तो यहां ये लोन पेयर क्या है डीलोकलाइज है, डीलोकलाइज लोन पेयर है, ठीक है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन यहां क्या होगा, अगर लोन पेयर रेजोनेंस करता है तो वह हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो यहाँ ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो तीन सिग्मा बॉन्ड, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा भाई एक एस दो पी। अगर ये H+ एक्सेप्ट कर लेता है तो क्या होगा, ये जैसे प्रोटोन एक्सेप्ट किया तो क्या बन जाएगा, यहां से ये आपका सी एच और एन एच थ्री पॉजिटिव, ठीक है। अब इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइज, यहाँ नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या था sp2, यहाँ नाइट्रोजन का अगर हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो चार सिग्मा बॉन्ड है, चार सिग्मा बॉन्ड होगा तो एक एस और तीन पी, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया। अगर डीलोकलाइज है तो हाइब्रिडाइजेशन में चेंज हो रहा है, और अगर लोकलाइज है तो कोई हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं हुआ है। दूसरी चीज यहां आपको क्या देखनी है, आपके पास देखो यहां पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो एक तो पाई बॉन्ड ये है तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन, और मैंने कहा था अगर कोई लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज अगर रेजोनेंस करता है तो वो भी पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होता है, तो यहां से कितने हो जाएंगे दो लोन पेयर के और दो पाई बॉन्ड के, चार पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसकी बात करेंगे तो यहां कितने हैं टू पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहां कितने हैं टू पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब यहां आपके पाई इलेक्ट्रॉन में भी चेंज आ गया है, किसमें आया है डीलोकलाइज अगर लोन पेयर होता है तो पाई इलेक्ट्रॉन में भी चेंज आया है और हाइब्रिडाइजेशन में भी चेंज आया है, बट अगर लोकलाइज लोन पेयर होता है तो ना तो हाइब्रिडाइजेशन में चेंज आ रहा है, ठीक है, यहां पाई इलेक्ट्रॉन थे नहीं तो हम बात नहीं की, ठीक है। जैसे आपके पास अब इसको यूज कैसे करेगा एरोमेटिसिटी का, इस दोनों कॉन्सेप्ट को कि लोकलाइज और डीलोकलाइज कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कहेगा कि ये आपके पास यहां क्या है, ठीक है, ये एनिलीन है, तो ये आपके पास यहां सिंपली एनिलीन डाल दिया और ये एच प्लस डाल दिया, तो यहां से आपको कहेगा कि भाई इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन आपको बताने हैं कितने हैं और आपका हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन का, तो जैसे H+ को एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या बन जाएगा बताओ भाई NH3 पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। यहां इसकी बात करेंगे तो ये लोन पेयर क्या है डीलोकलाइज है, और डीलोकलाइज होगा तो देखो यहां हाइब्रिडाइजेशन में पाई इलेक्ट्रॉन में चेंज आएगा, हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे तो हम कहेंगे नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन वो क्या है भाई sp2, ये नाइट्रोजन का लिख रहा हूं, ठीक है, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2 है, क्योंकि इसका लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, रेजोनेंस करेगा तो ये लोन पेयर क्या करेगा p ऑर्बिटल में रहेगा, मतलब हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व नहीं होगा, sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। दूसरा इसमें पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो छह तो पाई इलेक्ट्रॉन तीन पाई बॉन्ड गए, और लोन मैंने कहा कोई भी लोन पेयर अगर रेजोनेंस कर रहा है तो वो भी पाई इलेक्ट्रॉन का काउंट होगा, तो यह टोटल कितने हो जाएंगे एट पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, बट यहां इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन तो यहां कितने तीन पाई बॉन्ड, मतलब सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखो इसका अब इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे तो क्या होगा चार सिग्मा बॉन्ड है तो एक एस और तीन पी, मतलब देखो हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो रहा है और पाई इलेक्ट्रॉन भी चेंज हो रहे हैं, तो ये ध्यान रखनी है। और इसी में कैसे पूछ सकता है, जैसे आपसे कहेगा
कि भाई ये पायरोल है, ठीक है, और ये आपका पीरिडीन है। सबसे पहले तो कहेगा कि इसमें एक एक मोल है, वन मोल है एच प्लस, यहां पर भी वन मोल एच प्लस है। ये के वन रेट से जा रहा है, ये के टू रेट से जा रहा है, ठीक है। कह देगा इनकी रेट ऑफ प्रोटोनेशन का है या बेसिसिटी का है, एक ही मतलब है। तो यहां सबसे पहले आपको कहना बताना है कि रेट ऑफ प्रोटोनेशन क्या होगी। तो हम कहेंगे भाई देखो यहां ये लोन पेयर क्या है, लोकलाइज ना डीलोकलाइज है, और ये इसका लोन पेयर क्या है भाई, लोकलाइज है। तो लोकलाइज में तो कुछ चेंजिंग होने वाले नहीं है, ये तो हम देख लिया अभी। डीलोकलाइज में बहुत कुछ चेंज होने वाला है, ठीक है। तो डीलोकलाइज होगा जो बिजी है, डीलोकलाइज का मतलब जो रेजोनेंस में बिजी है, जो बिजी होगा तो वो आदमी एच प्लस को नहीं ले पाएगा, जो फ्री बैठा हुआ होगा वो इजीली एच प्लस को ले लेगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये फ्री बैठा हुआ है क्योंकि लोकलाइज नहीं है, तो ये फ्री बैठा ना लोकलाइज है तो ये फ्री बैठा हुआ है, ये लोन पे रेजोनेंस कर रहा है, रेजोनेंस करेगा तो बिजी है, बिजी होगा तो एच प्लस नहीं लेगा, जो फ्री बैठा हुआ एच प्लस ले लेगा। तो यहां से ये एच प्लस ले लेगा इजीली। तो यहां से मैं कह सकता हूं रेट ऑफ प्रोटोनेशन जो होगा, रेट ऑफ प्रोटोनेशन, ठीक है, तो किसकी ज्यादा होगी, के टू की ज्यादा होगी के वन के कंपेरिजन में, राइट। दूसरी चीज यहां आपको अगर ये एच प्लस ले लेता है तो एच प्लस लेगा तो भाई इसका यहां से ये बन जाएगा, एक एच जुड़ा हुआ था, ये लोन पेयर ले लिया, इसने H प्लस लिया, तो यहां क्या चेंजिंग आया है इसके बिहेवियर में, वही चेक करना है कि H प्लस से पहले कैसा बिहेव कर रहा था और H प्लस के बाद। अगर बेसिसिटी कहोगे तो भी हमारा K2 की ज्यादा होगी, K1 के कंपैरिजन में रेट ऑफ प्रोटोनेशन का एक ही मतलब है, ठीक है। अब यहां से देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन यहां क्या था, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, क्योंकि हमें पता है डीलोकलाइज में बहुत कुछ चेंज होने वाला है। इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 चार सिग्मा बॉन्ड है, तो यहां देखो इस नाइट्रोजन का यहां हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 दो सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व होगा। इसकी बात करेंगे तो यहां तीन सिग्मा बॉन्ड sp2, तो देखो लोकलाइज में तो कोई चेंज नहीं आया हाइब्रिडाइजेशन में। डीलोकलाइज की बात करें तो डीलोकलाइज में इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका sp3। देखो यहां ये सिस्टम क्या है, एरोमेटिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एरोमेटिक है, और ये आप देख सकते हो कि इसका अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया है तो आपका प्लेनरिटी कंडीशन फेल हो गई। तो अकल रूल कहता है प्लेनर अगर कोई कंपाउंड नहीं है तो ना तो एरोमेटिक हो सकता है ना एंटी एरोमेटिक, तो उसे तीसरा नाम क्या दिया था, नॉन एरोमेटिक। मतलब ये सिस्टम क्या है, नॉन एरोमेटिक, ये सिस्टम क्या है, नॉन एरोमेटिक, और ये आपका क्या उसमें है, एरोमेटिक। तो देखो एच प्लस लेते ही इसका बिहेवियर चेंज हो गया, जो एरोमेटिक था वो क्या बन चुका है, नॉन एरोमेटिक। बट यहां किसमें डीलोकलाइज, जो भी चेंजिंग हो रहा है वो किसमें हो रहा है, डीलोकलाइज में, लोकलाइज में कोई चेंज नहीं हो रहा है। यहां से इसकी बात करें तो इसमें अगर बात करें हाइब्रिडाइजेशन सेम है, पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि रेजोनेंस नहीं कर रहा। मैंने कहा था अगर रेजोनेंस करता है तो ही उसका लोन पेयर को पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करेंगे। यहां बात करें यहां पर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 पाई बॉन्ड है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसकी बात करें यहां कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहां लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है तो हम इसको इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। यहां कितने, 2 पाई बॉन्ड है तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखो इसमें जो लोकलाइज लोन पेयर होता है उसमें तो कोई चेंजिंग नहीं होता है, बट जो डीलोकलाइज लोन पेयर होता है उसमें बहुत कुछ चेंज हो रहा है, उसमें उसकी एरोमेटिसिटी पे भी इफेक्ट पड़ रहा है डीलोकलाइज में, उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, और उसके हाइब्रिडाइजेशन पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। बट अगर लोकलाइज लोन पेयर है तो ना तो उसके हाइब्रिडाइजेशन पे इफेक्ट पड़ रहा है, ना उसकी एरोमेटिसिटी पे इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि अब यहां पर भी ये एरोमेटिक है और यहां पर भी ये एरोमेटिक ही है, ठीक है। तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, ठीक है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन पे भी कोई चेंज पड़ा, पाई इलेक्ट्रॉन में भी देखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा और एरोमेटिसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। जैसे आपसे कह देगा, ठीक है, तो जैसे ये कंपाउंड दे देगा और ये कंपाउंड में कहेगा कि यहां एच प्लस डाल दिया, यहां वन मोल एच प्लस है, वन मोल एच प्लस है, तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, जो प्रोडक्ट पी बनेगा वो बताओ एरोमेटिक बनेगा, एंटी एरोमेटिक बनेगा या नॉन एरोमेटिक बनेगा। तो देखो यहां एच प्लस लेगा, अगर ये कंपाउंड एच प्लस लिया तो ये आपका क्या है, डीलोकलाइज लोन पेयर है, और इसका ये लोन पेयर क्या है, लोकलाइज लोन पेयर है भाई, लोकलाइज लोन पेयर है। तो मैंने बताया था डीलोकलाइज बिजी रहते हैं रेजोनेंस करने में, तो एच प्लस में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, एच प्लस लेते नहीं है,
ठीक है, बट जो लोकलाइज है मतलब फ्री बैठा हुआ है तो इंटरेस्ट दिखाएगा, इंटरेस्ट दिखाएगा तो एच प्लस को इजीली ले लेगा, तो यहां से हम कहेंगे ये लोकलाइज है तो ये एच प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा, एच प्लस को एक्सेप्ट करेगा तो हम क्या कहेंगे भाई, ये हमारा पी प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, यहां से ये एच और ये एच पॉजिटिव, ठीक है। तो पी प्रोडक्ट देख सकते हो आप यहां से कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर ये इन्वॉल्व होगा, रेजोनेंस कर रहा है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस कंपाउंड के अंदर H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद ये कंपाउंड क्या बन चुका है, एरोमेटिक कंपाउंड बन चुका है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब देखो फोर्थ, यहाँ एप्लीकेशन पार्ट के अंदर ये चल रहा है, एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी इन रिएक्शन मैकेनिज्म, तीन टाइप के क्वेश्चन ही बता दिए, फोर्थ टाइप का क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ आपके स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, या मैं ये कहूं कंपेरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ लिख सकते हैं, यहां कंपेरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, कंपेरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो देखो एसिडिक, एसिड किसको कहते हैं, जो एच प्लस डोनेट करते हैं उसको एसिड कहते हैं, जो एच प्लस एक्सेप्ट करते हैं उसे बेस बोला जाता है, ठीक है। तो यहां अगर मेरे पास कोई भी सॉल्यूशन पड़ा हुआ है तो हम कहेंगे एसिड अच्छा कौन सा होगा जो सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा एच प्लस दे, जितने ज्यादा एच प्लस मिलेंगे तो हम कहेंगे वो उतना ही अच्छा एसिड होगा, ठीक है। तो यहां हम एसिड अच्छा किसको कहेंगे, जो ज्यादा से ज्यादा एच प्लस दे उसको अच्छा एसिड कहेंगे। जैसे आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक एच मोलिक्यूल है, ठीक है, और एच मोलिक्यूल होगा तो यहां से ये क्या करेगा, इक्विलिब्रियम रिएक्शन दिखाएगा, तो ये ए माइनस बनाएगा, ये एच प्लस बनाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं केमिकल इक्विलिब्रियम यूज करूंगा, थोड़ा आपको आना चाहिए। तो हम कहेंगे भाई यहां से इसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के है इस रिएक्शन के लिए, तो यहाँ के इज कस्टम क्या हो जाएगा, हम कहेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए नेगेटिव और कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस अपॉन में क्या हो जाएगा भाई, कंसंट्रेशन ऑफ ए एच, यही तो कहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहां से देखो हम कह सकते हैं कि अगर मेरे पास ए नेगेटिव एच प्लस में, देखो यहां एच मोलिक्यूल जितना ज्यादा डिसोसिएट होगा उतना ही एच प्लस बनेगा, उतना ही ज्यादा क्या बनेगा एच प्लस, और जितना ज्यादा एच प्लस देगा तो हम कहेंगे वो क्या है, स्ट्रोंग एसिड है, और जो एच प्लस कम देगा वो हम क्या कहेंगे, वीक एसिड है। पर वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, वो ए नेगेटिव पे, क्योंकि यहां से हम देख पा रहे हैं कि के जो होगा वो डायरेक्टली प्रपोर्शन किसके है, कंसंट्रेशन ऑफ ए नेगेटिव के, कंसंट्रेशन ऑफ ए नेगेटिव के। तो देखो यहां से हम कह सकते हैं के मतलब डिसोसिएशन जितना ज्यादा होगा उतना ही एसिड एच प्लस ज्यादा मिलेगा, मतलब उतना ही एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो यहां से हम एक और चीज कह सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके है, के, और इन्वर्सली किसके होता है भाई, पीके के, इन्वर्सली किसके बन जाएगा, क्योंकि के और पीके में क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। तो यहां से हम क्या कह सकता हूं मैं यहां से कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए नेगेटिव के। तो इसका मतलब यहां एसिडिक कंसंट्रेशन ऑफ ए नेगेटिव का मतलब यहां क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ आयनाइन, यहां आपके पास जो बना है ए नेगेटिव, इसका मतलब ये जितना स्टेबल ए नेगेटिव बनेगा उतना ही एच प्लस ज्यादा मिलेगा, तो यहां उतना ही एच प्लस ज्यादा में। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होगा, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, देख सकते हो यहां कि ए नेगेटिव जितना ज्यादा बनेगा उतना ही एच प्लस रिलीज होगा, एच प्लस रिलीज हुआ इसका मतलब के ज्यादा है, के ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा तो यहाँ पी के कम हो जाएगा। अब देखो यहां जो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन है, अगर मेरा जो कार्बन आयन है, अगर मेरा कार्बन आयन जो है वो अगर एरोमेटिक है, एरोमेटिक, तो हम क्या कहेंगे वो क्या होगा, मोस्ट स्टेबल, या मो क्या होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा, ठीक है। अगर वो एनायन जो बना है वो एनायन क्या है, क्या है, नॉन एरोमेटिक, अगर नॉन एरोमेटिक है तो क्या कहेंगे उसको, मॉडरेट एसिड, मॉडरेट एसिड। और अगर मेरे पास ये जो एनायन बना है ये एंटी एरोमेटिक बन जाए,
तो हम क्या कहेंगे, ये लीस्ट स्टेबल है। लीस्ट स्टेबल क्या होगा भाई, लीस्ट एसिड होगा, ठीक है, या वीक एसिड लिख सकते हो यहां पर, वीक एसिड, ठीक है, तो वीक एसिड होगा। इसका मतलब हमें क्या करना है कि जो भी आपको एसिड देता है वो वहां से H प्लस निकाल देंगे, और वहां H प्लस निकलने के बाद क्या बना देंगे, कार्बेनायन, और उस कार्बेनायन में चेक कर लेंगे, अगर वो एरोमेटिक बनता है तो हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, अगर वो नॉन एरोमेटिक बनता है तो मॉडरेट एसिड, और अगर एंटी एरोमेटिक बनता है तो वो वीक एसिड हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे आपके पास ये कंपाउंड दे दिया जाए भाई, एक तो ये दे दिया जाए, ये जैसे एच ए दे दिया, ये आपका एच बी दे दिया, और ये आपका एच सी दे दिया, कहा जाए कि इनमें बताओ स्ट्रॉन्गेस्ट या एसिड बताओ, या कंपेयर दी एसिडिक स्ट्रेंथ, कह दिया जाए कंपेयर दी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो, तो हम क्या कहेंगे कि भाई जो भी एसिड एच दे रखा है उस एच को निकाल देंगे, और वहां क्या बना देंगे, कार्बेनायन। यहां से हम क्या कहेंगे, एच ए निकाल दिया, एच ए पॉजिटिव निकाल दिया, तो बन क्या गया भाई, यहां से यहां कार्बेनायन बना, यहां से एच बी पॉजिटिव निकाल दिया, यहां क्या बना, यहां पर ये कार्बेनायन बन गया, और यहां से आपका एच सी पॉजिटिव निकाल दिया, बन क्या गया भाई, यहां पर भी कार्बेनायन बन गया, ठीक है। और मैंने कहा उस कार्बेनायन के आप क्या चेक कर लेंगे, स्टेबिलिटी, जो जितना अगर एरोमेटिक बनता है वो तो हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, नॉन एरोमेटिक बनता है तो मॉडरेट एसिड, और अगर क्या बन जाए, एंटी एरोमेटिक बन जाए तो वीक एसिड। तो ये हमारा क्या है, 4π इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया भाई, एंटी एरोमेटिक। इसकी बात करें तो 6π इलेक्ट्रॉन, 2+2+2, 6π इलेक्ट्रॉन मतलब आपका एरोमेटिक, और ये कितने हैं, 8π इलेक्ट्रॉन, और 6 मेंबर से ऊपर है तो हम क्या कह देते हैं इसको, नॉन एरोमेटिक। बताया था भाई ये कि 6 मेंबर से ऊपर हो, रिंग हो और मोनोसाइक्लिक हो तो क्या बन जाती है, नॉन एरोमेटिक। तो यहां से आप बता सकते हो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा किसका होगा, बी का, उसके बाद सी का, और सबसे लीस्ट ए का हो जाएगा, और यही ऑर्डर क्या हो जाएगा, के का, इसके इनवर्स क्या हो जाएगा, पी के का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन की बात करें, हम एक और क्वेश्चन ले लें कि यहां ये एच ए दे दिया, ये एच बी दे दिया, राइट, यहां आपको कह दिया जाए एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो, तो आप कैसे कंपेयर करोगे, मैंने कहा जिस H प्लस की बात करा वहां से निकाल दोगे, और अगर यहां से क्या बना दोगे, कार्बेनायन, ये कार्बेनायन बन गया, यहां से H प्लस निकालोगे, यहां पर कार्बेनायन बन गया, यहां देखोगे तो यहां कितने हैं भाई, 6π इलेक्ट्रॉन है, 6π इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक, यहां क्या है, 8π इलेक्ट्रॉन्स मतलब एंटी एरोमेटिक। तो हम कह सकते हैं H की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी थी हमें, तो ए की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बी, क्योंकि ए जो है वो क्या है, मोस्ट एसिडिक है, क्योंकि वो एरोमेटिक बन रहा है, राइट। जैसे आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे फिनोल दे दिया जाए भाई एक, ठीक है, और फिनोल की में मान लो यहां मेरे पास मैंने मेटल डाल दिया, जैसे मैग्नीशियम डाल दिया, सोडियम, कोई भी मेटल, तो मैंने बताया था कि जहां कहीं पर भी मेटल अगर आ जाता है तो मेटल का एक ही काम होता है, वो कौन सा होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। जैसे ये क्वेश्चन कह दिया जाए तो इसमें क्या करोगे भाई, इलेक्ट्रॉन लॉस करोगे, तो यहां से क्या बनेगा, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, ठीक है। अब देखो फिनोल को अगर यहां डिसोसिएट करके देखोगे फिनोल कैसे टूटता है भाई, तो हम कहेंगे फिनोक्साइड आयन में O- प्लस H+, और जो यहां से इलेक्ट्रॉन आया था, ये जो इलेक्ट्रॉन आया था ये क्या कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। मेटल का मैंने क्या काम बताया भाई, एक ही काम करता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करना, तो यहां से इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया इस मेटल ने, और ये जैसे ही आपके पास आप देखो ओ नेगेटिव है, ये तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, और एक्सेप्ट कौन करेगा, जो एच प्लस,
तो जैसे इलेक्ट्रॉन इसने एच प्लस ने एक्सेप्ट किया तो क्या बन गया, एच रेडिकल, और एच रेडिकल तो बनेगा नहीं, तो एच रेडिकल अपना दूसरा एच रेडिकल बुलाएगा और कहेगा ले भाई डाइमराइज हो जाते हैं, मतलब कपलिंग कर लेते हैं, और क्या बना देगा, एच टू बना देगा, एच टू गैस यहां से निकल जाएगी, तो सेम क्या क्या बन जाएगा, यहां से क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका, फिनोक्साइड आयन प्लस हाफ एच टू, एच टू गैस निकल जाएगी। इस बार जैम 2020 में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था, एक स्टेटमेंट एक रिएक्शन करवा रखी थी भाई, एक रिएक्शन करवा रखी थी और उसमें ऐसी स्टेटमेंट दे रखी थी, उसमें लिखा था कि ये आपके पास एक जैम 2020, इस बार का जैम की बात कर रहा हूं मैं, आपके पास फिनोल लिखा था और आपके पास लिखा था यहाँ बी आर, ठीक है, ये लिखा था, और यहाँ मैग्नीशियम मेटल डाल रखा था और कहा था रिएक्शंस करो, और रिएक्शंस कन्वर्जन की में था, कन्वर्जन में शायद ए ऑप्शन था, एक कन्वर्जन था, थ्री मेंबर की रिंग बना रखी थी शायद, ऐसा कुछ बना रखा था, कुछ यहाँ शायद पीएच थी, शायद ऐसा बना रखा था, तो कहा था ये कन्वर्जन कौन से ऑप्शन से बनेगा, तो यहां से अगर हम बात करें तो इसमें क्या दे रखा था, मेटल दे रखा था, मेटल का काम क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो आप एक तो तरीके से यहां से ऐसे जा सकते हो, दूसरा जैसे मैंने कहा इसके एक स्टेप में तो यहां ये दे रखा था और दूसरी स्टेप में यहां लिखा था ये आपका ये एल्डिहाइड, और ये प्रोडक्ट पूछा था, जो आपका प्रोडक्ट था वो कहा था कि ये बनेगा या नहीं, एग्जैक्ट देख लेना, ठीक है, मेरे हिसाब से यही पूछ रखा था, ठीक है, तो ये कहा था कि ये कन्वर्जन किस के से बनेगा, तो देखो ये कन्वर्जन किस से बनेगा वो हम चेक करेंगे। देखो यहां से ये मैग्नीज आरएमजीएक्स पढ़ा है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ग्रिगनार्ड रिएजेंट बताओ पढ़ा है ना, तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या होता है, आरएमजीएक्स तो आर नेगेटिव होता है, एमजी प्लस पॉजिटिव, न्यूक्लियोफाइल एसिड की तरह बिहेव करता है, तो यहां अगर आप एक तो क्या केस लेके जा सकते थे, एमजी कहोगे इसके अंदर इंसर्ट कर जाएगा, तो यहां इंसर्ट कर गया तो कहोगे भाई यहां MgBr बन गया और यहां आपका OH बन गया, प्लस क्या आया फिर ये H था और यहां ये नेगेटिव और ये H प्लस, तो यहां टैग करके ये कंपाउंड बताओ बन जाएगा, बन जाएगा ना, तो देखो ये कंपाउंड बन जाएगा, पर एक्चुअल में इससे बन ही नहीं रहा था, हमें तो देखो यहां से लग रहा है कि भाई आराम से ये कन्वर्जन पॉसिबल है, पर जब यहां एग्जाम में तो ये यहां से मैंने क्या कहा कि यहां से अगर आप इस तरह से रिएक्शन करोगे तो इजीली देखो बन रहा है, पहले आरएमजीएक्स बनाया ऐसे इंसर्ट होता है, तो इंसर्ट होता है तो ऐसे बन जाता है, पर जब यहां से आपका एक्चुअल में जब ये प्रोडक्ट देखा गया तो ये बनता ही नहीं है, ये बनता ही नहीं, ऐसा क्या हुआ होगा इसके साथ, तो देखो यहां क्या हो गया होगा भाई, यहां फिनोल था और बी आर, देखो यहां समझाता हूं, एक्चुअल में यहां इस बार जैन 2020 में ये स्टेटमेंट दे रखी थी, ठीक है, तो यहां OH और आपका Br और Mg दे रखा था, मैंने कहा Mg का क्या काम होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और यहां टू इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, यहां से देखो एसिडिक हाइड्रोजन था ये, तो एसिडिक हाइड्रोजन में अभी देखा था फिनोल ने क्या क्या था, फिनोक्साइड आयन बनाया प्लस एच टू गैस, सेम यहां ये इलेक्ट्रॉन देखा तो फिनोक्साइड आयन और ये आपका Br रह गया प्लस एच हाफ एच टू निकल गई, मतलब एक्चुअल में तो ये प्रोडक्ट बनता है जो आप हम कर रहे थे कि भाई आरएमजीएक्स बना लेगा, ऐसा तो बनाया नहीं इसने, समझ रहे हो ना, कि ये स्टेटमेंट अगर आप ऐसे फॉलो करते तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, बट अगर एक्चुअल में देखोगे तो इस एमजी का मेटल के साथ क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन, तो बस मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर कहीं पर भी किसी सिस्टम में एसिडिक हाइड्रोजन दे रखा है और उसी की सिस्टम के अंदर अगर मेटल दिया हुआ है तो वो उस एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और H2 गैस बना लेगा और उसके साथ एन आयन बना देगा, यही रिएक्शन रुक गई, तो ये कन्वर्जन तो बना ही नहीं, ठीक है, तो ये जो आप बना के आते हो ऐसे क्वेश्चन से ये गलत है सब, तो ये ध्यान रखना है, इस बार जेम के में था स्टेटमेंट है तो ये समझना है, ऐसी स्टेटमेंट को ध्यान रखना है यहां से कि मेटल का क्या रोल होता है, मेटल के साथ है, अगर कहीं पर भी एसिडिक हाइड्रोजन मिल जाता है तो वो एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, एच रेडिकल बनाएगा और उसको एच टू गैस बना देगा और फिनोक्साइड आयन बना देगा, ठीक है, तो यहां आपका आरएमजीएक्स नहीं बनता, ये आरएमजीएक्स है, ठीक है, क्योंकि वो एच प्लस के साथ रिएक्शन कर चुका है एमजी, तो यहां एमजी इंसर्ट कैसे होगा, ठीक है, जैसे जैन 2019 में भी आया था, पिछली साल जैन 2000, ये जैन 2020 का था, अब जैन 2019 में क्या आया था, इसी से ही, इसी पार्ट से ही, क्या कहा था
कहा था कि ये आपके पास कंपाउंड दे रखा है और एक आपके पास ये कंपाउंड दे रखा है, यहां डाल दिया उसने सोडियम और यहां डाल दिया उसने मैग्नीशियम, और कहा कि बताओ पी पी जो क्यों है, पी और क्यों, क्या ये एरोमेटिक बनेंगे, एंटी एरोमेटिक बनेंगे या नॉन एरोमेटिक बनेंगे। ठीक है, मैंने क्या कहा कि ये बताओ एरोमेटिक बनेंगे, एंटी एरोमेटिक बनेंगे या नॉन एरोमेटिक बनेंगे। तो हम यहां से देखेंगे कि भाई ये हमारे पास इस पी की बात, ये हमारा क्या था क्यू और ये पी। तो देखो यहां मैंने कहा था कि मेटल क्या करता, मेटल ओनली एक ही काम करता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस। तो सोडियम होगा चाहे मैग्नीशियम कुछ भी मेटल हो, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, और ये इलेक्ट्रॉन अगर एसिडिक हाइड्रोजन अवेलेबल है तो उस एसिडिक हाइड्रोजन पे H प्लस पे अटैक कर देगा और H रेडिकल बनाएगा, H रेडिकल बना करके दूसरे H रेडिकल के साथ मिक्स हो जाएगा और क्या बना देगा, H2 गैस। तो देखो यहां आपको अगर इस H प्लस को यहां से निकाल दो तो ये आपका एरोमेटिक बन जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जो आपका एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया ये गया और यहां से सिस्टम को निकाल दिया, तो ये बना क्या आपका, अभी जो मैं बता रहा हूं यहां नेगेटिव प्लस यहां क्या हो गया H रेडिकल, मतलब ऐसे समझो आप कि ये आपका था यहां से ये H प्लस यहां से निकल गया ये, तो ये क्या देगा, जैसे आप एसिडिक स्ट्रेंथ में चेक कर रहे थे कि H प्लस और ये H प्लस क्या कर लिया, इस मेटल से इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, H रेडिकल, और ये अपने दूसरे H रेडिकल को बुलाएगा और कहेगा ले कपलिंग कर लेते हैं भाई और H2 गैस बना देगा। तो ये H रेडिकल क्या किया, इसने अपने दूसरे H रेडिकल को बुलाया और क्या बना ली इसने, कपलिंग गैस, H2 गैस बना ली। तो ये क्या बना है यहां, एरोमेटिक, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है भाई, एरोमेटिक। ठीक है, और इसका मैंने कहा था कि यहां आपके पास ये सिस्टम क्या है, एंटी एरोमेटिक, तो आपका ये सबसे पहले होमोलाइटिक बॉन्ड के लिए एज करेगा, ये मेटल जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, क्या बन जाएगा, यहां पर भी कार्बन आयन, यहां पर भी, कल ही क्लास में करवाया था ये, तो ये क्या बन गया, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये भी एरोमेटिक। तो आपका पी और क्यू दोनों के दोनों ही क्या बने हैं, एरोमेटिक। ठीक है, तो बताओ ये हमारा एप्लीकेशन पार्ट था, इस यहां तक बताओ, कोई प्रॉब्लम हो तो फटाफट बताओ भाई, बताओ कोई प्रॉब्लम है तो फटाफट बताना है भाई, ठीक है, ताकि हम जल्दी से, बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो, मनोज जितना बता दिया है भाई इतना पढ़ लेगा तेरे लिए सफिशियंट है। ठीक है मनोज, मनोज जितना मैंने पढ़ा दिया है उतना सफिशियंट है भाई। ठीक है, भाई देखो फटाफट बताने हैं हमें, आज जीओसी कंप्लीट करनी है ताकि हम नेक्स्ट क्लास से क्या स्टार्ट कर दे, एसिड बेस केमिस्ट्री, इसी का ही पार्ट है जीओसी का ही दूसरा चैप्टर, एसिड बेस केमिस्ट्री का। अरे अकेश सारी कहानी पढ़ ली सुबह से शाम तक देख लिया रामायण, और फिर कहता है दूसरे दिन उठ करके कह रहा है कि सिक्ता किसके बाप था। अरे फिनोक्साइड आयन भाई कहां से एरोमेटिक बनेगा, खुद सोच यार। अरे हक्कल का सारे कॉन्सेप्ट बिगाड़ दिए तूने तो। अरे अकेश हक्कल ने क्या कहा था, साइक्लिक कंपाउंड के अंदर चेक करना होता है, क्या ये ऑक्सीजन साइक्लिक का पार्ट है, साइक्लिक के बाहर का है, तो बता कैसे बना देगा इसको एंटी एरोमेटिक, थोड़ा तो सोचो। वो स्टेटमेंट आपको नोटबुक में लिखने के लिए नहीं दिए भाई मैंने, वो आपको समझना उन स्टेटमेंट का मतलब क्या है। पहली स्टेटमेंट कहता है साइक्लिक, दूसरी स्टेटमेंट बोलता है प्लेनर, तीसरी कहता है साइक्लिक रेजोनेंस है। जब तू ये ओ नेगेटिव, क्या ये साइक्लिक में रेजोनेंस हो रहा है क्या, साइक्लिक का पार्ट थोड़ी ना ओ नेगेटिव आपका है, बेंजीन है बस इतना पार्ट, तो ये एरोमेटिक है इतना, क्योंकि ये साइकिल है, साइकिल में देखना है बस, कोई क्वेश्चन नहीं बचता थी तो ये थोड़ी ना पूछना जरूरी है भाई, रहने दो उस, अगर टाइम वेस्ट नहीं करना है बगैर कोई काम के क्वेश्चंस को। ठीक है,
शीतल दो नेगेटिव चार्ज होते हुए और एरोमेटिक बी है और बी अच्छा स्टेबल हुआ होगा। शीतल क्या कहना चाह रही है, पूरी वर्ड लिखी। दो नेगेटिव चार्ज होते हुए और एरोमेटिक है, इसका क्या मतलब समझू बता मैं। सर एच रेडिकल कैसे बना, एच प्लस एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन बनेगा ना। अरे यार तुम्हें कुछ नहीं आता भाई, इस मरते इधर ध्यान दे। अरे एच रेडिकल के पास कोई भी आदमी एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसके एक ही तो इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगी। देख ये एच प्लस है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है स्मृति? जीरो इलेक्ट्रॉन, जीरो इलेक्ट्रॉन है इसमें। अगर इसमें मैं कहता हूं एक रेडिकल ऐड कर दिया तो एच प्लस एच रेडिकल ही तो बना। हम कहेंगे एच रेडिकल में कितना है, एक इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन कैसे बन गया? हाइड्रोजन कहीं थोड़ी ना एग्जिस्ट करता है, H2 गैस करती है एग्जिस्टिंग। तो एच रेडिकल, क्योंकि ये एच रेडिकल जो है ये फिर कपल कर लेगा हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन ये लिख देती हो तो ये नहीं बनता, एग्जिस्ट थोड़ी नहीं करता, H2 में रहता है वो तो एग्जिस्ट। तो उसे एच रेडिकल की फॉर्म में ही तो बनाएंगे यहाँ, ठीक है। एच रेडिकल है ये, एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के अंदर, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एच रेडिकल स्मृति, ठीक है। सुपीरियर डिस्कशन होगा बुकलेट का भी, टेंशन ना लो अभी, ठीक है। सर सोडियम के केस में भी क्लीवेज होंगे डबल बॉन्ड? हाँ भाई क्यों नहीं होंगे, करवाया तो था सुष्मिता पिछली क्लास के, बस याद रखना ही वो बातें, करवाया तो था पिछली बातें, पिछली क्लास की बातें। पिछली देखो सोडियम भी ले रखा है, सोडियम मेटल नहीं है क्या सुष्मिता? मेटल ही है वो भी, तो वो भी करवाएगा डबल बॉन्ड, वो भी डाई एनायन बनाएगा। वहां दो सोडियम यूज हो जाएंगे क्योंकि दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो दो सोडियम यूज कर लेंगे, ठीक है। अरे पिछली क्लास में सुप्रिया बताया था ये, तुम पिछली क्लास का ध्यान तो देते नहीं हो, तुम लोग ये नहीं करवाए थे पिछली क्लास में जब 8 मेंबर रिंग पढ़ाया था मैंने तो। सुप्रिया इधर ध्यान दे, उसी चीज को बार बार 5 बार पूछते रहते हैं भाई। देख सुप्रिया ये आपके पास है तो ये डबल बॉन्ड आपको पता है एंटी एरोमेटिक है, और एंटी एरोमेटिक होगा तो वो डाई एनायन की, वहां देखा था मैंने जब उसके एमओटी डायग्राम बनाए थे तो वहां दो दो आपके पास रेडिकल थे सुप्रिया, दो रेडिकल, इसीलिए तो हम कहते थे पैरामैग्नेटिक है। तो ये पाई बॉन्ड को तोड़ दिया हमने और यहां दो रेडिकल बना दिए, क्योंकि ये एक्चुअल में पाई बॉन्ड तो था ही, ये तो क्या था अनपेयर्ड दो इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। और यहां से मेटल मैग्नीशियम का काम क्या होता है, मेटल का काम एक ही बताया है इलेक्ट्रॉन देना, तो यहां से ये दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए Ng+2 बना और ये दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। अब एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया तो कोई भी किसी रेडिकल, जैसे एच रेडिकल है, एच रेडिकल को एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया तो ये क्या बनेगा, एच नेगेटिव। यहां एक इलेक्ट्रॉन है रेडिकल के पास, एच नेगेटिव के पास दो इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ ये क्या बन जाएगा, एनायन। सेम काम इसके साथ भी हो जाएगा, ठीक है भाई। ये आपके पास डाई एनायन बन गया, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन था एक और ऐड कर दिया मैग्नीशियम ने दे दिया, ठीक है सुप्रिया। प्रिंस मैंने कहा भाई, क्या मैंने इतनी बात बोली है, अगर तुझे मैंने इतनी कहा है प्रिंस, अगर भाई एरोमेटिक अगर कोई एनायन की वजह से एरोमेटिक बन रहा है तो वो एरोमेटिक बनता है तो उसका के ज्यादा है तो पी के कम हो जाएगा, बस इनवर्स कर दे, ठीक है प्रिंस। ओके आगे बढ़ते हैं भाई, ओके आगे बढ़ते हैं भाई। देखो नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ टाइप का क्वेश्चन बच गया, कौन सा, फ्यूज ड्रिंक एंड कौन सी थी फ्यूज के बाद, कौन सी थी भाई एक और, कौन सी थी ना, एनुलिन्स, ठीक
ठीक है। तो हम एनुलिन सबसे पहले, फोर्थ टाइप का हमारे पास, तो सबसे पहले डालते हैं एनुलिन। ठीक है, तो देखो एनुलिन होती क्या है, सबसे पहले बात करें एनुलिन क्या होती है। एनुलिन होती है मोनोसाइक्लिक, इस वर्डिंग पे ध्यान देना, ओनली मोनोसाइक्लिक की बात कर रहा हूं। आप बाईसाइक्लिक में फिर पूछते रहते हो भाई अक्सर, ये एनुलिन नहीं है क्या, तो देख लेना ये वर्डिंग लिख रहा हूं, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड से विद अल्टरनेट डबल बॉन्ड, मतलब मोनोसाइक्लिक रिंग होगी और उनके साथ भाई क्या होगा, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, तो हम उसको क्या कहेंगे, एनुलिन से। बट एक और कंडीशन रखनी है कि उसके कार्बन क्या हो, उसके पास है इवन कार्बन एटम हो, क्या हो भाई, इवन कार्बन एटम, इवन कार्बन एटम हो और क्या हो, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड विद अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो। तो देखो कौन कौन सी होंगी एजुलिन, एक तो फोर मेंबर की, थ्री मेंबर की तो नहीं होंगी क्योंकि उसमें तीन कार्बन है, ओड कार्बन है, तो जिसमें भी इवन कार्बन होंगे और मोनोसाइक्लिक होनी चाहिए और अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एनुलिन्स कहते हैं भाई। ठीक है, तो ये हमारे पास फोर मेंबर की, ये क्या होगी, फोर एनुलिन, जितने कार्बन होंगे उतने की एनुलिन बनाएंगे, तो इसे फोर एनुलिन कहेंगे। ये मैं पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, ये क्या होती थी, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, दूसरी कौन सी होती है, सिक्स मेंबर, फाइव की नहीं होगी क्योंकि ओड कार्बन है ये सिक्स मेंबर, तो इसे क्या कहेंगे, सिक्स एनुलिन, ये भी पढ़ा चुका हूं, ये क्या है, एरोमेटिक। दूसरी तीसरी कौन सी होगी, एट मेंबर रिंग, तो ये हम क्या कहेंगे, एट एनुलिन्स बोलेंगे इसको, एट एनुलिन्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होती है, नॉन एरोमेटिक, बताया था सिक्स मेंबर से ऊपर अगर कोई भी रिंग एरोमेटिक, इसे एंटी एरोमेटिक बन जाती है तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, प्लेनेटी लॉस कर देती है और किस में आ जाती है भाई, नॉन एरोमेटिक में। ठीक है, ये फटाफट, अब देखो फोर्थ कौन सी थी, एट के बाद कौन आएगी, नाइन तो होगी नहीं क्योंकि ओड कार्बन है, तो टेन होगी, ये टेन होगी। ठीक है, ये टेन, ये क्या होगी हमारी, टेन एनुलिन्स, टेन एनुलिन्स होंगी, तो यह क्या होगी भाई, टेन के होंगी। तो ये बताया था यहां से हाइड्रोजन का रिपल्सन होता है जिसकी वजह से क्या हो जाती है, नॉन एरोमेटिक। तो यहां तक तो मैं डिस्कस कर लिया था, तो इसके बाद हमारी कौन सी आएगी, 12 एनुलिन, तो यहां 12 एनुलिन हमने पढ़ा नहीं था, तो 12 एनुलिन जो होगी वो हमारा डिस्कस करेंगे। ये हमने पढ़ा नहीं था तो इसका डिस्कस करेंगे भाई, बिल्कुल। ठीक है, तो यहां से देखो जितने भी यहां हमारे पास, यहां कितने थे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, जितने की एनुलिन उतने ही इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। देखो यहां 4 इलेक्ट्रॉन 4 की एनुलिन, यहां 6 इलेक्ट्रॉन 6 की एनुलिन, यहां 8 इलेक्ट्रॉन 8 के ही 8 ही एनुलिन। ठीक है, यहां 10 एनुलिन और 10 ही पाई इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। ठीक है, तो जितना की एनुलिन है उतने ही पाई इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो यहां पर भी कितने होंगे, अगर 12 एनुलिन है तो हम कहेंगे 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, 12 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, और 12 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम क्या कहेंगे भाई, मोनोसाइक्लिक रिंग होगी ये। एनुलिन कौन सी होती है, मोनोसाइक्लिक को ही कहते हैं भाई, मोनोसाइक्लिक होगी, तो यहां 12 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक, और एंटी एरोमेटिक होती नहीं है, मैंने कहा था 6 मेंबर से ऊपर कोई भी रिंग, अगर 6 मेंबर से ऊपर कोई भी रिंग, पर वो क्या होनी चाहिए, मोनोसाइक्लिक, मोनोसाइक्लिक हो, 6 मेंबर से ऊपर कोई भी रिंग अगर एंटी एरोमेटिक बनती है तो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, नॉन एरोमेटिक में, तो इसे आप क्या नाम दोगे, नॉन एरोमेटिक। आप कहोगे सर स्ट्रक्चर क्या होती है, तो ये स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर होगी, इसको बोला जाता है 12 एनुलिन, तो ये क्या होती है भाई आपकी, नॉन एरोमेटिक, 12 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें और 12 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहां पे 6 मेंबर से ऊपर कोई भी यहां एंटी एरोमेटिक बनती है, तो उसे आप क्या नाम दोगे, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, अब इसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन देखो क्या कर सकते हैं, यहां मेटल डाल देगा, मेटल डाल देगा तो आप क्या करोगे, एक पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देते थे और यहां इस टाइप से बना देते थे, अब
अभी थोड़ी देर पहले समझाया है और मैंने कल भी समझाया था ये चीजें, कल भी समझाई थी। तो यहां क्या हो जाएगा 8, ये हो गया था जैसे अभी मैं हमने समझाया था कि ये आपके पास है और यहां आपने मेटल डाल दिया था, अभी एग्जांपल लिया था ये। तो यहां से जैसे आपने मेटल डाल दिया तो ये मेटल ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लॉस किए 2 और यहां से ये पाई बॉन्ड क्लीव हुआ, मतलब किसमें आ गया, एच एस रेडिकल में, और ये आपका इलेक्ट्रॉन यहां से इसको दिया और ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया। तो एक एक एच रेडिकल के पास एक एक तो इलेक्ट्रॉन था ही, एक और इलेक्ट्रॉन गया, एक और इलेक्ट्रॉन गया तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आप ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, नेगेटिव चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको नेगेटिव चार्ज बना दिया। तो देखो यहां कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन थे, पर जैसे आपने मेटल डाला तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहां कितने पाई इलेक्ट्रॉन थे, 12 पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहां कितने हो गए, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। देख सकते हो 12 + 2, ये सब रिप्रेजेंटेशन पिछली क्लास में बताया था, जिसको याद है पढ़ के आया है उसको तो ये पता गया भाई। इसी की में कई टाइप, 5 टाइप बनाए थे क्या, एग्जाम में 500 में से कोई भी टाइप लिख सकता है, ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, यहां बार -2 कर दो चाहे इसके ऊपर 2 नेगेटिव बना दो, एक ही बात मैंने कहा था, ठीक है, मैंने कहा था भाई इसके ऊपर बार नेगेटिव बना दो या 2 नेगेटिव बना दो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और 14 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 4n+2 को फॉलो कर रहा है, मतलब एरोमेटिक बन गया, मतलब क्या बन गया भाई, एरोमेटिक बन गया, ठीक है। अब देखो यहां जैसे आपके पास ये रिंग दे दी, ठीक है, ये रिंग अगर आपसे कह दिया जाए कि बताओ ये एरोमेटिक होगी, एंटी एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक, तो यहां से देखेंगे हम, आपको पता है कोई भी अगर एल्काइन होती है तो उसका एक ही पाई बॉन्ड क्या होता है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है। मैंने बताया था अगर दूसरा पाई बॉन्ड होता तो दूसरे प्लेन में होता है, तो वो रेजोनेंस नहीं कर पाता है, रेजोनेंस नहीं करेगा, अगर साइकिल के अंदर रेजोनेंस ही नहीं करेगा तो एरोमेटिसिटी का पार्ट नहीं होगा, तो वो एरोमेटिसिटी का पार्ट नहीं होगा। तो भाई यहां इसका अगर एल्काइन है तो एक ही पाई बॉन्ड इन्वॉल्व करेंगे, एक ही पाई बॉन्ड इन्वॉल्व करेंगे, तो दूसरा पाई बॉन्ड नहीं इन्वॉल्व करेंगे, दूसरा पाई बॉन्ड। तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन, 4, 6, 8, 10, 12 है, तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा तो मोनोसाइक्लिक है, एंटी एरोमेटिक बन रहा है। मैंने कहा था 6 मेंबर से ऊपर कोई भी मोनोसाइक्लिक रिंग अगर एंटी एरोमेटिक बनती है तो उसे क्या कहोगे, नॉन एरोमेटिक। तो ये भी क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। तो इसी 12 है जो एनुलिन का है, इसका मॉडिफिकेशन करवा सकता है, आपके पास कोई मेटल डाल देगा तो मेटल डाल देता है, तो अगर आपको क्या कर देना, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा देना, ये सिस्टम बना दोगे, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 14 एनुलिन की, 14 एनुलिन की नेक्स्ट बात करते हैं 14 एनुलिन की। तो देखो 14 एनुलिन क्या होता है वो भी देख लेते हैं। देखो 14 एनुलिन क्या होगा, यहां मैंने कहा जितने के एनुलिन होगा उतना ही पाई इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसका मतलब यहां कहीं ना कहीं 14 इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे, ठीक है। 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे तो हम क्या कहेंगे भाई, इसको यहां से एरोमेटिक, 4n+2 का फॉलो कर रहा है ना, तो एरोमेटिक रहा होगा, मतलब कैसी स्ट्रक्चर होगी इसकी 14 एनुलिन की, तो यहां कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है भाई, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, 14 एनुलिन्स। तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, 14 एनुलिन्स। तो यहां कितने पाई बॉन्ड है, 7 पाई बॉन्ड है, तो मतलब 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो ये सिस्टम क्या होगा, एरोमेटिक। ये सिस्टम क्या होगा भाई, एरोमेटिक। अब इसी चीज को क्या कर सकता है, वो मॉडिफाई कर सकता है, मॉडिफाई क्या करेगा, क्या मॉडिफिकेशन कर सकता है इस 14 एनुलिन के अंदर, मॉडिफिकेशन। और क्या आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ मॉडिफिकेशन कर सकता है, क्या मॉडिफिकेशन करेगा, तो वो देख लेते हैं। देखो यहां आपको यहां बीच में 2 कार्बन बना देगा, जैसे ये 14 एनुलिन थी भाई, ठीक है, ये 14 एनुलिन है, क्या गड़बड़ हो गई, अच्छा एक मिस हो गया, बुकलेट बुकलेट सोल्व कर लेना है अब, ठीक है, ऑलमोस्ट जीओसी कंप्लीट होने का आ गई है, बस एसिड बेस को छोड़ देना है और बुकलेट पे लग जाना है अब,
ठीक है, एक दिन हम डिस्कस भी कर लेंगे बुकलेट को, तो तैयार रहना है बस बुकलेट सोल्व करके। जब भी डिस्कशन हम करेंगे तो आपको तैयारी पूरी रखनी है, ठीक है। ये हमारा क्या है 14 एनुअली, तो मैंने कहा मॉडिफिकेशन कर देगा। मॉडिफिकेशन क्या करेगा कि यहां बीच में दो कार्बन इन्वॉल्व कर देगा और वो इनसे कनेक्ट कर देगा, ये कार्बन कनेक्ट कर दिए और कहेगा कि बता भाई ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक, मतलब आपको दो कार्बन ये कनेक्ट कर दिए। तो देखो अक्कल क्या कहता है भाई, कुछ भी जोड़ते रहो, हमें तो साइकिल बनानी है, वो साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लेनर होनी चाहिए, साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए। तो देखो यहां ये कार्बन आपका sp3 है, पर ये साइकिल का पार्ट ही नहीं है। साइकिल का पार्ट कौन सा है भाई? यहां से देखो, यहां ये ऐसे तो रेजोनेंस हो रहा है, यही तो रेजोनेंस चल रहा है, रेजोनेंस इसी को तो कहते हैं, यही रेजोनेंस हो रहा है। तो बताओ क्या ये दो कार्बन साइकिल का पार्ट होंगे? है ही नहीं पार्ट। तो चाहे ये sp3 रहे या sp2 रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमने 10 मेंबर किम किया था, वहां कार्बन लगा दिया था, नाइट्रोजन लगा दिया था, ऑक्सीजन लगा दिया था, तो वहां आपके पास क्या कर दिया था, वहां रिंग को क्या बना दिया था, ये 14 मेंबर की रिंग को। तो यहां बीच में आप चाहे कुछ भी जोड़ते रहो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि साइकिल जो रहे अक्कल की जो साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है तो यही रेजोनेंस हो रहा है। तो यहां इसके कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब सिस्टम क्या है एरोमेटिक, अब भी एरोमेटिक ही है, ठीक है। तो यहां और दूसरा मॉडिफिकेशन क्या कर सकता है भाई, और देखो ये एग्जामिनर खुद सोच सकता है ऐसे मॉडिफिकेशन को, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे इसी में और क्या मॉडिफिकेशन कर सकता है, जैसे ये 14 मेंबर की रिंग थी भाई, ठीक है, मैंने कहा यहां आपको दो कार्बन जोड़ देगा, ये देखो ये दो कार्बन जोड़ दिए, ये दो कार्बन ऐड कर दिए, ठीक है। तो ये रिंग हमारी क्या है 14 एनुलिन है, मतलब एरोमेटिक है। यहां डबल बॉन्ड भी लगा देगा तो कहेगा कि बताओ अब क्या होगी, अब बताओ क्या होगी। तो अब भी हम क्या कहेंगे, हमारा जो रेजोनेंस का पार्ट है वो यही है भाई, यही तो साइकिल है, यही साइकिल है, तो ये रेजोनेंस का पार्ट है, तो यही रेजोनेंस का पार्ट है। तो हम क्या कहेंगे, अब भी ये जो है हमारा ये जो पार्ट है ये तो अब भी रेजोनेंस का पार्ट नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ ये साइकिल का पार्ट है नहीं, तो यहाँ डबल बॉन्ड दे रखा हो चाहे यहाँ सिंगल बॉन्ड दे रखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब भी यहाँ कितने होंगे 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, और 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो सिस्टम क्या होगा एरोमेटिक होगा, मतलब आपका यहाँ चाहे sp3 कार्बन हो इनके पास चाहे sp2 हो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो गेट में दे दिया था ये क्वेश्चन, गेट में क्या दिया था भाई, देर ध्यान दो, ये सिस्टम दे रखा था, ये सिस्टम और गेट में कहा था कि बताओ यहां हक्कल रूल के अकॉर्डिंग n की वैल्यू, जो 4n+2 में लगाते हैं n की वैल्यू, तो देखो यहां हक्कल के n की वैल्यू निकालेंगे तो 4n+2, ठीक है, अगर आप इसको इन्वॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये दो पाई इलेक्ट्रॉन है, यहां n की वैल्यू, मतलब वो ये नहीं कहा कि बताओ एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक है नॉन एरोमेटिक है, वो कहा कि भाई इसके लिए इस सिस्टम के लिए n की वैल्यू बता दे कितनी होगी। तो कैसे निकालेंगे, हमें पता है ये तो पाई बॉन्ड में, ये पाई बॉन्ड जो है ये तो साइकिल का पार्ट है ही नहीं, हक्कल तो ओनली एरोमेटिसिटी के लिए क्या काउंट करता है, पाई इलेक्ट्रॉन, जो साइकिल के पाई इलेक्ट्रॉन है उनको काउंट करता है। तो यहां कितने पाई इलेक्ट्रॉन है 14, तो ये 14 रखेंगे, 14 = 12 है 4n के, तो n = कितना आ गया 3, तो ये आपका आंसर हो जाता, किसमें आ चुका है, गेट में आ चुका है, नेट में भी पूछा जा चुका है इस 14 एनुलिन से। नेट में क्या क्वेश्चन पूछा था देखो इधर ध्यान दो, नेट में क्वेश्चन क्या पूछा था भाई, नेट में क्वेश्चन क्या पूछा था इधर ध्यान दो, ये सिस्टम दे रखा था, ठीक है, और इसमें यहां मेटल डाल रखा था Mg, और कहा था कि ये जो प्रोडक्ट बनता है ये P, ये बताओ एरोमेटिक होगा एंटी एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा। तो हम कहेंगे भाई यहां कितने हैं 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो मेटल का भी बताया है, अभी बताया था कि यहां अगर मेरे पास यहां इसके अंदर कोई भी मेटल डाल देते हैं तो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, तो जैसे ही मेटल डाला तो यहां क्या बन गया था भाई, ये आपका क्या हो गया था, यहां 6 पाई इलेक्ट्रॉन बन गए थे। ऐसे भी तो रिप्रेजेंटेशन बताया था मैंने भाई, ये 5 टाइप के रिप्रेजेंटेशन बताए थे मैंने जब 8 मेंबर की रिंग पढ़ाया था तब, ठीक है। तो यहां 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब जैसे आपने मेटल डाला तो कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां मेरे पास ये 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे,
ये 14 पाई इलेक्ट्रॉन, यहां से आप क्या कर दोगे इस टाइप से लिख दोगे, तो यहां कितने हो गए 14 से 16 हो गए, 16 पाई इलेक्ट्रॉन, यहां दो कार्बन थे, ये दो कार्बन, कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए 16 हो गए, तो 16 हो गए तो क्या होगा बताओ, एंटी एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक, तो आप क्या कहोगे एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक होगा ना, देखो यहां मोनोसाइक्लिक नहीं है, वो सिस्टम मैंने कहा था 6 मेंबर से ऊपर कब नॉन एरोमेटिक बनते थे, वो मोनोसाइक्लिक होती थी, यहां क्या रिजिड सिस्टम है, यहां मोनोसाइक्लिक है ही नहीं, तो यहां प्लेनेटी लॉस नहीं करेगा, प्लेनेटी लॉस नहीं की तो इसने क्या हो गया एंटी एरोमेटिक हो गया, तो ये कहानी किसकी थी, फ्यूज्ड एरोमेटिक रिंग की थी, या मैं कहूं फ्यूज सिस्टम की थी, तो फटाफट बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो, फटाफट बताओ भाई कोई प्रॉब्लम हो तो, देखो एक और सिस्टम डिस्कस कर देता हूं, यहां लिख देता हूं, ये सिस्टम भी देख लो भाई, ये इस बार गेट में पूछा था ये क्वेश्चन, ठीक है, तो इसीलिए मैं सोचा डिस्कस कर देता हूं भाई, ये इस बार गेट में आया है, इस बार का क्वेश्चन है गेट में पूछा गया था, और यहां था डबल बॉन्ड, एक यहां था, ये आपका ये यहां दे रखा था रेजोनेंस करके, ठीक है, तो ये दे रखा था, ये स्ट्रक्चर बना के दे रखी थी गेट के अंदर, जो इस बार गेट 2020 का पेपर हुआ था उसमें दे रखा था भाई ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन ये लिख रखी थी स्ट्रक्चर, कहा था कि बताओ ये सिस्टम एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक है नॉन एरोमेटिक है, ये सिस्टम है एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक है नॉन एरोमेटिक है, तो यहां से आप देखोगे, देखो ये मेरे पास नेगेटिव चार्ज यहां से यहां गया, ये नेगेटिव चार्ज यहां से यहां गया, ये नेगेटिव चार्ज यहां से यहां गया, ये आपका नेगेटिव चार्ज यहां से यहां जा रहा होगा, ये यहां से यहां और ये यहां से यहां आ रहा होगा, मतलब ये आपकी पूरी साइकिल में डिलोकलाइज हो रहे हैं नेगेटिव चार्ज, तो इसका मतलब यहां से जो सारे के सारे पाई बॉन्ड है, सारे के सारे पाई बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज क्या हो रहे हैं डिलोकलाइज हो रहे हैं, तो यहां कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, और 14 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक हो गया, ठीक है, आपको साइकिल के इलेक्ट्रॉन देखने हैं, तो ये गेट का क्वेश्चन है इस बार, ये लिख रखा था गेट में ये स्ट्रक्चर, और कहा था कि बताओ एरोमेटिक होगा एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक, तो क्या बनेगा भाई एरोमेटिक, ठीक है, तो फटाफट बताओ इससे कोई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो फिर हम, बताओ भाई कोई प्रॉब्लम है तो, मनोज फ्लाइन नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, ठीक है, ठीक है मनोज, नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे फ्लाइन, ओके, नेक्स्ट क्लास में फ्लाइन करवा देंगे भाई मनोज, ओके सौरभ, ठीक है भाई, नहीं करेंगे रेड, नो डाउट, बताओ भाई कोई और प्रॉब्लम है तो, नो डाउट, यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या, ठीक है, तो देखो यहां आपका एक तो रेजोनेंस एनर्जी बची है,
एक फ्यूज्ड रिंग बची ना, कौन सी फ्यूज्ड रिंग, रेजोनेंस एनर्जी बची है, फ्यूज्ड रिंग का पार्ट बचा है, और आपका एसिड बेस केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद हमारा खत्म हो जाएगा जीओसी का पार्ट, ठीक है। तो क्या क्या चीजें बची हैं, एक तो फ्यूज्ड रिंग, रेजोनेंस एनर्जी, और क्या हो है, फ्यूज्ड रिंग, रेजोनेंस एनर्जी और एसिड बेस केमिस्ट्री, ठीक है। देखो क्या क्या है भाई। सुपीरियर सर, 12 एनुलिन का लास्ट एग्जाम्पल में 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। कहाँ 12 इलेक्ट्रॉन? सुप्रिया कितनी देर तक मैं इस चीज को डिस्कस किया हूं भाई, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में दूसरा प्लेन आउट ऑफ प्लेन है, दूसरे प्लेन में ट्रिपल बॉन्ड का दो ही तो पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेगा सुप्रिया, दो पाई इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे, कहां क्या काम कर रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा क्या तुझे भाई। एक मैं बोल रहा हूँ कि सुप्रिया जो भी एल्काइन है, एल्काइन का एक ही तो पी ऑर्बिटल रेजोनेंस करेगा, दूसरा तो दूसरे प्लेन में रहेगा। मान ले कि मेरे पास है सुप्रिया एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड का ये पी ऑर्बिटल इनके बीच में रेजोनेंस कर रहा है, तो मान लेता हूं ये मेरा पी एक्स है, तो ये क्या दूसरा पी ऑर्बिटल जो होगा वो भी पी एक्स में होगा क्या? नहीं, वो या तो पी वाई में रहा होगा या पी जेड में रहा होगा, परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है सुप्रिया। ऐसे तो ये रेजोनेंस करेंगे, तो बता अगर मेरे पास इसके ये मेरा एल्काइन है, ठीक है, और इससे आगे एक और क्या पी ऑर्बिटल है, ठीक है पी ऑर्बिटल ये मैं रख देता हूँ, पी एक्स को लिख रहा हूँ येल्लो से, तो ये पी ऑर्बिटल है, तो बता यहां मेरे पास ये जो ये किस में था, पी वाई या पी जेड में था, पी जेड या पी वाई, एल्काइन, ये एल्काइन है, तो बता क्या ये पी वाई पी जेड वाला इस पी एक्स के साथ रेजोनेंस कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि मैंने कहा था रेजोनेंस के लिए सेम प्लेन होना चाहिए, तो ओनली फॉर पी एक्स ही कर सकता है। मतलब आपका एल्काइन में क्या करोगे, ओनली दो पाई इलेक्ट्रॉन ही काउंट करोगे, ठीक है सुप्रिया। धीरज सर, नो नोन हक्कल डबल बॉन्ड है वो क्या साइक्लिक रेजोनेंस से बाहर होता है क्या? क्या पूछना चाह रहा है धीरज सर? नो नोन हक्कल डबल बॉन्ड, ये कौन सा डबल बॉन्ड होता है भाई? नोन हक्कल नाम की कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। हक्कल ने, हक्कल कोई साइंटिस्ट था, उसके नाम पे रूल रखा हुआ है, तो हम डबल बॉन्ड को थोड़ी ना कहते हैं, उसका रूल है एरोमेटिसिटी का, ठीक है। तो नॉन हक्कल डबल बॉन्ड नहीं है, जो साइक्लिक के अंदर, साइकिल के अंदर जो भी पाई बॉन्ड, जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन काउंट हो रहे हैं धीरज, उसी को ही आप काउंट करोगे, ठीक है। तो अगर साइकिल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं हो रहे हैं, चाहे वो रेजोनेंस का पार्टिसिपेट कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, उसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो कहता है साइकिल के ही इलेक्ट्रॉन बस काउंट करने आपको, ठीक है धीरज। फर्स्ट स्लाइड पर पी क्वेश्चन, अर्पित फर्स्ट स्लाइड पे बैठा हुआ है अभी तक, लास्ट स्लाइड पे, लास्ट स्लाइड पे पी क्वेश्चंस। अरे कितनी बार बताऊंगा, ये खुद देख, वो पिछली वीडियो देख कितनी बार बता दिया ये क्वेश्चन में, ये ऊपर ये कितनी बार बता दिया, चार मेंबर की रिंग, मेटल का काम क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन देना, चार इलेक्ट्रॉन तो छह इलेक्ट्रॉन हो गए, यहां 14 इलेक्ट्रॉन थे, मेटल ने दो इलेक्ट्रॉन दिए तो 16 इलेक्ट्रॉन हो गए, 16 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया, मोनोसाइक्लिक है नहीं, कि आप वहां प्लेनेटी लॉस करवा देंगे, क्या है फ्यूज टाइप रिंग है, तो आप क्या कहोगे एंटी एरोमेटिक है बस। मेटल आ गया तो यहां देखो दो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, अभी कितनी बार ये एग्जांपल करवा चुका हूं। हाँ प्रिंस, इंडक्टिव इफेक्टिव पढ़ाएंगे, एसिड बेस केमिस्ट्री आएगा, ठीक है, वो इतना ज्यादा यूज का होता नहीं है कहीं, ठीक है। तो थोड़ा एसिड बेस केमिस्ट्री में मैं पढ़ा दूंगा, वो टेंशन ना ले, ठीक है। अरे पी एक्सप्लेन तो कर दिया अर्पित, कितनी बार करवाएगा। अरे रजनेश मैंने कब कह दिया भाई, जो रिजिड सिस्टम होते हैं प्लेनर्टी लॉस करते हैं, मन से ही मनगढ़ंत कहानी मत बनाया करो भाई रजनीश, मैंने कब कह दिया भाई प्लेनेटी लॉस करता है रिजिड सिस्टम, मैंने नहीं बोला भाई, 14 वाला रिजिड है तो प्लेनेटी लॉस नहीं करेगा क्या,
क्यों करेगा भाई प्लेनर्टी लॉस? वो एंटी एरोमेटिक बनता है तब करता है, ठीक है, एंटी एरोमेटिक है तब करता है वो, ठीक है, और मोनोसाइक्लिक हो तब, ठीक है, मोनोसाइक्लिक हो और एंटी एरोमेटिक, ये सारी चीजें जो मैं बोलता हूं इसका हर एक वर्ड का कुछ ना कुछ मीनिंग है भाई, इन मीनिंग्स को इसको समझो, नोटबुक भरने से कोई काम नहीं चलने वाला है, इस चीज को समझना पड़ेगा कि भाई मैं पहली क्लास जब एरोमेटिसिटी स्टार्ट की जब से बोल रहा हूं भाई मोनोसाइक्लिक होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक बनेगा तो वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा 6 मेंबर से ऊपर वाला, और अब तक तुम्हारे कानों में नहीं सुनाई दिया है कि भाई ये सिस्टम भाई ये बात कर रहा है, कभी किसी में जोड़ देते हो कभी किसी में, ठीक है भाई, समझना है रजनी से, टेंशन ना ले, सब कुछ हो जाएगा, बस तुझे धीरे धीरे समझना है वैसे, ठीक है, ऋषभ इंडक्टिव फैक्ट पढ़ाया जाएगा, टेंशन ना ले। अरे तो सौरभ और क्या मैं कह रहा हूं, मैं कब कहा है कि कार्ब केटायन मिक्स पढ़ाऊंगा, अलग से ही पढ़ाया जाएगा कार्ब केटायन, अलग से ही पढ़ाया जाएगा, हाँ क्लास ओवर हो गई है हर्षिता, क्लास ओवर हो गई है, तपस नहीं होता है जब साइक्लिक रिंग के अंदर दो नेगेटिव चार्ज आ गया, कहाँ किसके बीच में रेजोनेंस करवाएगा भाई, नेगेटिव रिपल्सन किसके बीच में करेगा, किसके बीच में कराएगा भाई रिपल्सन, वो रेजोनेंस कर रहे हैं, घूम रहे हैं आराम से, ठीक है, नहीं होता है भाई, 5 असाइनमेंट ईमान से अपलोड करवा रखे, उसको सोल्व कर ले, ठीक है, और फिर बुकलेट लगा ले, ठीक है, बुकलेट लगा ले, वो बहुत है, 5 असाइनमेंट तो अपलोड कर ही रखे हैं और बुकलेट लगा ले, ठीक है, धीरज सर नॉन अक्कल डबल बॉन्ड जो होता है वो साइक्लिक रेजोनेंस प्लेनर्टिस बाहर होता है क्या, धीरज अभी मैं बोल रहा था कि भाई नॉन अक्कल डबल बॉन्ड नाम की कोई चीज होती नहीं है केमिस्ट्री में, ठीक है, अब वो तुझे सुनाई, मैं अभी थोड़ी देर पहले बोला था फिर टाइप कर दिया तूने कि सर नॉन अक्कल डबल बॉन्ड, मैंने कहा भाई नॉन अक्कल डबल बॉन्ड नाम की कोई चीज नहीं होती है केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, जो ये आपका है बस इतना समझ ले तू, कहाँ गया वो, हाँ ये आपका वो क्या कहता है भाई, ये नहीं है कि बाहर किसी डबल बॉन्ड को इन्वॉल्व कर लेता है कल, हाँ कल कहता है साइकिल को इन्वॉल्व करना है, तो ये देख साइक्लिक, ये रेजोनेंस हो रहा है साइक्लिक, ऐसे किसी को तो साइक्लिक कहते हैं, इसको ही तो साइक्लिक कहते हैं कि भाई ऐसा कहेगा कि ये रेजोनेंस हो रहा है, ऐसे इसको थोड़ी साइक्लिक कहेगा कि ऐसे घूम रहा है, इसको साइक्लिक थोड़ी ना कहेगा, साइक्लिक तो क्या होगा, यही होगा, यही तो होगा, यही साइकिल बना है, तो क्या बता इस साइक्लिक में ये दो डबल बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन क्या काउंट करेगा, इस साइक्लिक का पार्ट है क्या, है ही नहीं, तो क्यों काउंट कर रहा है तू, कितनी बार कह दिया भाई साइकिल को इन्वॉल्व करना है फिर यहां से, और ये साइकिल का पार्ट है ही नहीं, तो इसको टाइप करना नहीं, इसको काउंट करना ही नहीं है अक्कल, मैंने कहा ओनली अक्कल कहता है कि साइक्लिक जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको काउंट करने होते हैं इनको, ठीक है, पेरिसाइक्लिक का भाई आप स्लाइड अपलोड कर दिया जाएगा भाई, मैं नहीं करता हूं, कर दिया होगा या फिर कल कर दिया जाए, क्योंकि अभी सारा स्टाफ चला गया है, ठीक है बेंजीर, आज नहीं हुआ है तो कल हो जाएगा अपलोड, हो जाएगा पर टेंशन ना ले, ठीक है, शुभरात्रि भाई, गुड नाइट सभी को, टेंशन ना लिया करो तुम, आराम से बस जैसा मैं कहता हूँ कि भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दो, ठीक है, जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही समझ लो आप सिलेक्शन के पास जा रहे हो, और जितना ज्यादा यह क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे सोचोगे नोट्स पढ़ के मेरा काम चल जाएगा तो समझ लो सिलेक्शन होना ही नहीं है, लिखवा लो 100% कह रहा हूँ, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई हर एक टॉपिक के करने होंगे आपको, ये नहीं कह रहा 5 टॉपिक के किए और किसी के नहीं किए तो भी नहीं होगा, सारे टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, सारी बुकलेट को दो दो बार लगानी होगी, ठीक है, तो आप 20 से लग जाना है क्वेश्चन प्रैक्टिस के, जितने कर सको उतने कम है, जितने भी जेई फेई कहीं भी है नेट गेट सब लगा दो, ठीक है, खैर नेट की तो मत लगाना अभी क्योंकि नेट में तो जीओसी में लगा सकते हो नेट की भी, ठीक है, जैसे जैसे क्योंकि नेट का थोड़ा वाइड सिलेबस होता है तो वो आपको पढ़ाया नहीं गया है, ठीक है, पर जितना भी है जीओसी की लगा सकते हो, मैं इतना पढ़ाया है आपको नेट गेट लेवल तक का, तो इसको लगा सकते हो, ठीक है, टेंशन मत लिया करो, ठीक है, गुड नाइट, खाना वाना खा लेना
ओके बाय, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। देखो मैं पहले बता दे क्या क्या चीज बची है। एक तो आपके पास फ्यूज रिंग बची है, रेजोनेंस एनर्जी और एसिड बेस केमिस्ट्री। उस एसिड बेस केमिस्ट्री के अंदर इंडक्टिव आ जाएगा, ठीक है? ये मत सोचना इंडक्टिव नहीं पढ़ाया है,